महामारी से लड़ते हुए भारत के आत्मनिर्भर अभियान में प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वित्त मंत्री जी ने आज तीसरे पार्ट में एक बार फिर से किसानों, दुग्ध उत्पादकों, पशुपालकों, मछुआरों के लिए कृषि के इन उपक्रमों के मदद के लिए 1,00,000 करोड़ के आधारभूत ढांचे के विकसित करने की घोषणा की है। मोदी सरकार संकल्पित है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान भी 74,300 करोड़ की एमएसपी पर खरीद हुई है। पीएम किसान में 18,700 करोड़ रुपए का हस्तांतरण इस कोविड-19 के दौरान हुआ है। अब फसल बेचने की बंदिशें खत्म हो गई, किसान जहां उसको लाभ होगा वहां फसल बेच सकेगा। टॉप टू टोटल इस उपक्रम में आलू प्याज के अतिरिक्त भी 500 करोड़ रुपए के प्रावधान सरकार ने किया है। बहुत अरसे से ये मांग थी कि देश में हर्बल खेती को एक विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए, उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, और बदलती परिस्थिति में निश्चित रूप से हर्बल मेडिसिन की जो मांग होगी आने वाले समय में, तो 10 लाख हेक्टेयर में लगभग 4000 करोड़ की लागत से ये हर्बल फार्मिंग होगी देश में, और एक अनुमान है 5000 करोड़ का लाभ किसानों को होगा। जो पशुपालक हैं और उनको एक विशेष लाभ मिलेगा कि जो दुग्ध उत्पादक यूनिट्स हैं उनके प्रोसेसिंग के लिए 15,000 करोड़ का ये प्रावधान इस पार्ट 3 में खेती के संबल देने के लिए किया है। बहुत बड़ा पशुधन भारत में लगभग 53,000 करोड़, और किसी न किसी बीमारी से मुंह पका, खुर पका, इस किस्म की बीमारियों से ग्रसित होते थे, किसान पीड़ित होता था, उसके लिए ऐसे 53 करोड़ पशुओं के लिए 13,343 करोड़ का प्रावधान किया है कि जिस जो टीकाकरण के काम आएगा, और मुझे लगता है कि पशु स्वस्थ होगा तो निश्चित रूप से किसान को एक संबल मिलेगा। ऐसे ही जो मत्स्य उद्योग है, जो मछुआरे से लेके जो मछली पालन का काम करते हैं और अपने आप में एक बड़ा व्यवसाय है, उसमें 20,000 करोड़ का संबल ये मोदी सरकार ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान की तीसरी कड़ी में दिया है। निश्चित रूप से आज की घोषणाएं खेती में किसानों की आय दोगुनी करने की उस प्रतिबद्धता को भी दिखाती हैं, और आने वाले समय में खेती और खेती से जुड़े धंधे, इनको विकसित करने से हम भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और मजबूत कर सकते हैं। निश्चित रूप से मैं अभिनंदन करूंगा मोदी सरकार का इस ऐतिहासिक फैसले के।